आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिडनी में रविवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच वन डे सीरीज का तीसरा मैच खेला गया, जिसे मेहमान टीम ने 16 रन से जीत लिया। मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 303 रन का टारगेट मिला था, जवाब में वो 286 रन ही बना सकी। मैच के दौरान एक पुलिस वाला कुछ देर के लिए स्टार बन गया। दरअसल बाउंड्री के बाहर खड़े होकर ड्यूटी कर रहे इस कॉप ने अपने पास आई बॉल को बड़े ही शानदार अंदाज में कैच कर लिया। मैच के दौरान ये इंसिडेंट 19.3 ओवर में हुआ, जब रूट की बॉल पर एरोन फिंच ने लॉन्ग ऑन की ओर जोरदार शॉट खेला। फिंच के इस शॉट पर बॉल हवा में काफी ऊपर गई और सीधे बाउंड्री के पार चली गई। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मी ने उसे कैच कर लिया। वो पुलिस वाला कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसकी नजर बॉल पर ही थी। बॉल को अपनी ओर आते देख उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फिर बैठते हुए आराम से कैच कर लिया। कैच लेने के बाद वो खुशी के मारे अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो इतना खुश था, अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए अपनी खुशी को सबके सामने बता भी दिया।